आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल का सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को ज़रूरत होगा एक लैपटॉप या कंप्यूटर और एक यूएसबी केबल का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल क्रोम से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। इसका नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल एपी डी ड्राइवर। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। उसके बाद मैं फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देख सकते हैं, ये मिल गया यूनिवर्सल एबीडी ड्राइवर। इसको डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जो लोकेशन है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज का ऑप्शन पर क्लिक करके, या तो इसको याद रखना है जी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, ये इंस्टॉल होगा। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, आप इसको क्लोज कर देंगे। अब आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दो सेटिंग करना है। सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, एम आई यू आई वर्जन यानी डेवलपर ऑप्शन को इससे हम लोग ऑन करेंगे। दो तीन बार क्लिक करेंगे, ये डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है इसमें। ये जो सेटिंग मोबाइल में अलग अलग जगह हो सकता है, आप लोग गूगल या फिर यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब आप लोग को एडिशनल सेटिंग्स में आना है, डेवलपर ऑप्शन, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को ऑन करेंगे, ओके। नीचे आएंगे, यूएसबी डिबगिंग इसको भी ऑन करेंगे, इंस्टॉल वीवा यूएसबी इसको भी ऑन करेंगे। ये अलाउ हो रहा है। अब यहाँ का काम हो गया। अब आप लोग को एक ऐप को इंस्टॉल करना है, सिस्टम ऐप डिसेबलर, ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है एक बार। ये हो गया है। अब फाइल मैनेजर में जाना है। ये ऑलरेडी जैसे हम लोग इस पर क्लिक किए तो ये एक फाइल मैनेजर में एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ पर सिस्टम ऐप डिसेबलर, ये देख सकते हैं दो फाइल क्रिएट हो चुका है। एक है ब्राउज़र रिमूव, इससे आप लोग का ब्राउज़र रिमूव होगा, इससे रिस्टोर होगा नीचे वाला से, फिर से अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो। ये दोनों फाइल को हम लोग कॉपी करके दूसरे फोल्डर में सेव कर लेंगे। ब्राउज़र में हम लोग सेव करते हैं, दूसरे फाइल में करेंगे। एक फाइल में हम लोग दोनों फाइल को पेस्ट कर दिए। अब यहाँ का काम हो गया है। अब आप लोग को यूएसबी को कनेक्ट करना है अपने मोबाइल और लैपटॉप से या कंप्यूटर से। अब आप लोग को क्या करना है, जब अपने मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो उस मोबाइल का आइकन पर क्लिक करना है, इंटरनल स्टोरेज। अब आप लोग फाइल को कॉपी करके जिस भी फोल्डर में रखे हैं उसमें जाना है। ये दो फाइल हैं, इसको कॉपी करना है। अब आप लोग को वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम जो लोकेशन दिए थे उस लोकेशन पर आ जाना है, यूनिवर्सल एबीडी ड्राइवर। यहाँ पर दोनों फाइल को पेस्ट कर देना है। मैं इसको पहले से पेस्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दो फोल्डर रखा हुआ है। अब आप लोग को रिमूव पर डबल क्लिक करना है। ये प्रोसेस चल रहा है। अब आप लोग को कोई भी बटन प्रेस करना है, एंटर बटन हम लोग प्रेस करेंगे। ये हो चुका है, ये जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग को चाहते हैं रिस्टोर करना तो आप लोग को ब्राउज़र रिस्टोर पर क्लिक करना है।
ये फिर से वही प्रोसेस चल रहा है, फिर से एनी की प्रेस करना है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल में ब्राउज़र आ गया है। इसी तरह आप लोग अपने मोबाइल में कर सकते हैं। अगर आप लोग का कोई एरर आता है तो हमें कमेंट करके बता दें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो